मित्रों, मॉडर्न साइंस और केमिकल की इस दुनिया में अनेकों ऐसी बीमारी आने वाली है और कई आ चुकी हैं जिनसे बचाव सहज ही संभव नहीं हो पाता है। पर मित्रों, आपने कभी सोचा है कि प्राचीन में, मित्रों अगर हम कई वर्ष पीछे जाएं तो हमें पता चलता है कि जो दवाइयाँ आज हम ले रहे हैं वो पहले नहीं हुआ करती थी, पर फिर भी लोग खुश और स्वस्थ रहते थे क्योंकि उस जमाने में आधुनिक चीज़ों से अधिक असरदार आध्यात्मिक चीज़ें हुआ करती थीं। उस समय हमारे सिद्ध योगियों ने कुछ ऐसी तकनीकें निकाली जो कि मानवता के लिए वरदान थी। ये तकनीकें इस प्रकार से थी कि कोई भी व्यक्ति आसानी से इसको कर सकता था। हमें ये जानना होगा, कोई भी दवाई हमारे शरीर को ठीक नहीं कर सकती, ये हमारे शरीर की ही काबिलियत है जो इसे ठीक करती है। तो इसी सिद्धांत पर कुछ तकनीकें बनाई गई जिनमें से एक प्रक्रिया मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह प्रक्रिया दर्द और बीमारियों के निवारण के लिए वरदान है। अब आप ध्यान से सुनिए, ये प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप किसी आरामदायक स्थान पर बैठ जाइए या लेट जाइए। आपकी कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए। सांसों को सामान्य रखें। विचारों पर ध्यान ना दें, विचारों को चलने दें, विचारों को रोकें नहीं। ध्यान रहे आप विचार और मन दोनों ही नहीं हैं। बस जागरूक होकर देखें कि विचार चल रहे हैं। अब आपको सांसों पर ध्यान देना है। ध्यान अगर भटक भी जाए तो चिंता ना करें। दोबारा से सांसों पर ध्यान लगाएं। इसे 2 मिनट के लिए करें। अब आपका पूरा ध्यान सांसों से हटा करके अपने बाएं पैर के अंगूठे पे केंद्रित करें। 30 सेकंड तक अपने अंगूठे पर ध्यान दें। अब अंगूठे से ध्यान हटाकर उसके पास वाली उंगली पर ध्यान ले जाएं। ध्यान रहे इसे भी 30 सेकंड के लिए करना है। क्रमशः इसी प्रकार आगे की तीनों उंगलियों पर 30-30 सेकंड के लिए अपना ध्यान केंद्रित करें। इसके बाद आपको अपने पूरे पंजे पर ध्यान केंद्रित करना है। अब अपने दाहिने पैर के अंगूठे पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान रहे अंगूठे के बाद बाकी सभी उंगलियों पर क्रमशः ध्यान को केंद्रित करना है और अंत में पंजे पर ध्यान को केंद्रित रखना है। इस प्रक्रिया के बाद अपनी दोनों पिल्लियों पर ध्यान लगाएं। यह ध्यान 1 मिनट के लिए होना चाहिए। उसके बाद अपने पैरों के दोनों घुटनों पर और टखनों पर, नीचे के तलवों पर ध्यान लगाएं। इसके बाद आपको दोनों जांघों पर ध्यान लगाना है। यह कम से कम 2 मिनट के लिए होना चाहिए। अब अपना ध्यान अपनी जननेंद्रियों पर ले जाएं और कमर के नीचे वाले भाग पर ध्यान ले जाएं। इसके बाद आपको कमर पर ध्यान लगाना है। यह ध्यान प्रक्रिया 5 मिनट के लिए चलनी चाहिए। अगर आपके पैरों में अब कंपन होने लगे या झंझनाहट महसूस होने लगे तो समझ जाइएगा कि आपकी पैरों की ऊर्जा एक्टिवेट होने लगी है। अब आपका पूरा ध्यान नाभि पर ले जाएं। अब आपका ध्यान पूरे पेट पर होना चाहिए और इसके पीछे वाले पसलियों वाले भाग पर होना चाहिए। अपनी पीठ को पूरी तरह से महसूस करें। अब अपनी छाती को पूरी तरह से महसूस करें। अब आपका ध्यान दोनों पसलियों के बीच मिलने वाले स्थान के नीचे एक गड्ढा है उस पर लगाएं। अपना पूरा ध्यान अपने कंठ पर लगाएं। इस प्रकार हमने पैरों पर क्रमशः ध्यान दिया था, उसी प्रकार अपने दोनों हाथों पर भी ध्यान लगाएं।
अब अपना ध्यान अपनी पांचों इंद्रियों पर एक एक करके लगाना है। उसके बाद आपको अपना ध्यान दोनों बाहों के बीच अग्ना चक्र पे लगाना है। अब अपना ध्यान पूरा एकाग्र करके अपने मस्तिष्क में ले जाएं और मस्तिष्क के मध्य बिंदु पर केंद्रित हो जाएं। आप देखेंगे कि आपका पूरा शरीर शिथिल हो गया है और आनंद की एक ऊर्जा उसमें घूम रही है और शरीर को वाइब्रेट कर रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो अब आगे बढ़ें। अब शरीर के जिस भी भाग में आपको समस्या है अपना ध्यान वहां ले जाएं और ये विजुअलाइज करें कि वह ठीक हो रहा है। ध्यान दें, जब आप किसी बीमारी को ठीक कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान वहीं होना चाहिए और कल्पना करनी चाहिए कि वो ठीक हो रहा है, मेरे शरीर की शक्ति उसे ठीक कर रही है। इस ध्यान को 5 मिनट तक रखने के बाद धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपनी आँखें खोल सकते हैं। अब आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर कितना आनंदमय हो चुका है। यह प्रक्रिया शरीर और अपनी जीवन ऊर्जा को शुद्ध बनाती है। यह प्रक्रिया प्राचीन योगियों द्वारा खोजी गई थी। इसी प्रक्रिया के द्वारा शवासन और योग निद्रा का आविष्कार हो सका है। इस प्रक्रिया के परिणाम आश्चर्यजनक हैं। आप इस प्रक्रिया का प्रयोग आप पर एक बार जरूर करके देखें और परिणाम आपके सामने आ जाएगा।